हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल्स एंड पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यूनिट 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। इससे जो है आप लोगों के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन ऑफ NTA नेट, UGC नेट जो है, KVS, NVS, DSSSB, TGT, PGT एंड LT ग्रेड, HTET, PTET जो भी आता है, वॉट एवर एग्जाम आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ से। अभी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है उसका भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जो कि 16 मार्च को एग्ज़ाम है आप लोगों का TRE 3। तो मैं जो क्वेश्चन लेवल है बहुत ही टफ बना कर लेकर आया हूँ, सो दैट आप लोगों को फ़ायदा मिल सके और आपकी जो सक्सेस की राह हो आसान हो सके। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। कौन सा कूट सही है? फेफड़े की सतह को प्लोरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से टिश्यूज के अध्ययन यानी ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है। फ्लेक्सर में कोड जो है कम होता है, फ्लेक्सर मतलब देखिए TRE 2 में एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो फ्लेक्सन क्या होता है? जब हम अपने आर्म्स की भुजाओं यानी भुजाओं को जो हाथ की भुजाओं को जब मोड़ेंगे अपनी तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे तो इसमें जो है एंगल जो है कम होता है। एक्सटेंशन में क्या होता है? एंगल ज़्यादा होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें जो है मतलब लेस देन 90 डिग्री होता है। तो फ्लेक्सन में क्या होगा? एंगल कम होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। शोल्डर में ज्वाइंट्स में हिंज कहते हैं, इसको देखिए हिंज ज्वाइंट जो होता है कंधे कोहनी के ज्वाइंट्स को बोलते हैं और नी के ज्वाइंट्स को बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिंज मतलब कब्जा होता है, कब्जा वाला, बट शोल्डर के ज्वाइंट्स को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग है, मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशी वाला जो तंत्र होता है, ब्लड वेसल्स यानी कि जो आपकी रुधिर कड़िकाएँ होती हैं, और स्टडी ऑफ नेल्स, स्किन, हेयर, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट, इसको आपको मैच करना है। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का सॉल्व करिए। देखिए मस्कुलर सिस्टम जो होता है, देखिए पहले तो सबसे पहले समझिए एनाटॉमी क्या होता है। देखिए एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द पार्ट, जो आपके बॉडी पार्ट के जो अंग है स्ट्रक्चर है उनके अध्ययन को बोलते हैं एनाटॉमी। तो इस तरीके से समझ में आ गया। एनाटॉमी जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरफेस एनाटॉमी, सेकेंड होता है सिस्टेमिक एनाटॉमी, तीसरा होता है रीजनल एनाटॉमी। इसको देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें एकदम क्लियर कट मैंने बताया हुआ है, सारा कुछ एलाबोरेट किया हुआ, इसलिए यहाँ पर समझाना मुझे उचित नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपका दिया है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो होता है इट्स ए पार्ट ऑफ सिस्टेमिक एनाटॉमी होता है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स यानी कि इस तरीके से इसको मिलान कर देंगे आप लोग। अब ब्लड वेसल्स जो होता है आपका रीजनल एनाटॉमी होता है, आपके किसी रीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है से प्रवाहित होता है, इसलिए इसको रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ स्किन हेयर जो होता है ये आपका सरफेस एनाटॉमी होता है, यानी कि आपकी जो लास्ट में यानी कि सरफेस मतलब सतही जो स्टडी होती है एनाटॉमी की, उसे बोलते हैं नेल स्किन एंड हेयर यानी सरफेस एनाटॉमी। और देखिए लास्ट बचा है डी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए जन्म के समय जो हड्डियों की संख्या होती है 270 होती है, उसके बाद जो होते हैं 206 हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक्सियल स्केलेटन नहीं है। देखिए 2 प्रकार के स्केलेटन होते हैं, एक एक्सियल होता है और एक होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल में जो होता है 80 बोन होते हैं, अपेंडिकुलर में होता है 126 बोन होते हैं। बट इसमें आपको पता होना चाहिए एक्सियल स्केलेटन कौन सा नहीं है पूछा है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपने सही करके आ जाते हैं। देखिए रिब केज जो होता है, एक्सेल स्केलेटन जो होते हैं जो आपके स्कल से रिलेटेड होते हैं, जो आपकी खोपड़ी होती है और आपका जो वर्टिब्राई वाला सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम लेते हैं। तो यहाँ एक्सेल स्केलेटन जो होता है रिब केज भी होता है, स्कल भी होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, बट शोल्डर गर्डल होता है इट कम्स अंडर द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट आंसर, यानी नहीं है पूछा तो शोल्डर गर्डल जो है आपका नहीं है, ठीक है। तो ये था पहला, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मसल्स टू बोन ज्वाइंट्स क्या कहते हैं? मसल्स टू बोन ज्वाइंट जब बोलते हैं उसे टेंडन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये पेट क्वेश्चन है, समझ लीजिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। बोन टू बोन कनेक्टेड बाई लिगामेंट, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये हर बार क्वेश्चन आता है।
सीनर थ्रोसिस जॉइंट्स नहीं है। देखिए सीनर थ्रोसिस जॉइंट ये वाला जॉइंट्स वाला चैप्टर ना मैंने निमोनिक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इतना बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। सैड जब हमारे जो हमारे जॉइंट्स में चोट लगता है तो हम दुखी हो जाते हैं, यानी सैड हो जाते हैं। यस स्टैंड फॉर सीनर थ्रोसिस जॉइंट। सीनर थ्रोसिस जॉइंट मतलब इमूवेबल जॉइंट, जो कि एकदम हिलता डुलता नहीं, जो अपने जगह पर फिक्स है, तो इसको बोलते हैं फिक्स है, तो मतलब इसको एक तरीके से फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इमूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं, सिंडेमोसिस जॉइंट भी बोलते हैं, सचर जॉइंट्स भी बोलते हैं, और इसको एम्फीथ्रोसिस जॉइंट नहीं बोलते हैं। एम्फीथ्रोसिस जॉइंट्स मैंने बताया SAD, यानी कि जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होता है, दैट इज नोन एज एम्फीथ्रोसिस जॉइंट्स, ठीक है। हड्डी, छोटी हड्डी का प्रकार कैसा होता है, तो इसका जो प्रकार होता है क्यूब शेप्ड होता है, ठीक है। क्यूबॉइड नहीं होता, कर्व्ड नहीं होता है, थिन नहीं होता, फ्लैट नहीं होता। छोटी हड्डी हमेशा किस शेप में रहती है, क्यूब शेप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार्ट मार्क लगा लीजिएगा। हीमेटोपोइसिस क्या आता है, हीमेटोपोइसिस मतलब होता है ये ब्लड से संबंधित होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन है तो ब्लड से संबंधित होगा। दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। यानी कि जब हमारा ब्लड सेल्स, यानी कि जो हमारा रुधिर कोशिका जब बनती है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होती है, उसे भी बोलते हैं क्या, हीमेटोपोइसिस। तो देखिए हड्डियाँ स्टोर हाउस है, ये क्वेश्चन जो है पूछा तो है, लेसन्स में है, जो एक्सरसाइज जो दिया है लेसन्स के एंड में, उसमें क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें मैं डाउट हूँ, आप लोग बताइएगा। क्योंकि स्टोर हाउस जो होता है ना हड्डियों में, सारे मिनरल्स का होता है, तो इसमें पर्टिकुलर मिनरल के बारे में पूछा है। तो एज ऑफ नाउ मैं कैल्शियम पे जाता हूँ, बट आप लोगों का क्या विचार है इस क्वेश्चन पे वो कर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कमेंट्स में। बट मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो है, मिनरल जो होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो स्टोर हाउस के रूप में रहते हैं हड्डियों में, ठीक है। विचार कीजिए, हिंज जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स का प्रकार है। देखिए हिंज जॉइंट जो है साइनोवियल जॉइंट्स का प्रकार है, यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स हमने क्या बोला था, जो कि साइनोवियल जॉइंट्स हमने क्या बोला था, यहाँ पर देखिए सीनर थ्रोसिस जॉइंट था ना, हाँ, ये साइनोवियल जॉइंट्स होता है फ्रेंड्स, हिंज जॉइंट्स का ही प्रकार है। क्यों, क्योंकि ये जो है यानी कि मूवेबल जॉइंट्स होता है, उसे साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। एक तरीके से साइनोवियल फ्लूड्स होता है हमारे जॉइंट्स में, वो क्या करता है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनको मूव करने में मदद देता है, ठीक है, इसलिए इसे साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। हिंज जॉइंट जो है उसी का प्रकार है, क्योंकि हिंज जॉइंट जो है मूवेबल जॉइंट्स के अंदर में आता है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से इजीली टैकल कर पाएंगे, जिसमें एंगुलर मूवमेंट केवल एक प्लेन में। तो बिल्कुल देखिए, हिंज जॉइंट जो होता है आपके, मान लीजिए आपका हाथ है, ये हाथ की कोहनी है, एल्बो है, एल्बो जो है एक ही दिशा में जाता है, दूसरी दिशा में तो नहीं जाता, इसलिए क्या होता है एंगुलर मूवमेंट, यानी कि जो आपका कोणीय विस्थापन होगा वो केवल एक ही प्लेन में होगा, दूसरे प्लेन में नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, हिंज जॉइंट जो है करेक्ट हो जाता है। मांसपेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, बिल्कुल तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ मसल्स होता है, और दूसरा होता है आपका कार्डियक मसल, और तीसरा होता है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है सही है, दोनों सही है। अब देखिए लास्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन में स्मूथ मसल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन में ना आपका जो है स्केलेटल जो मसल्स काम करता है, न कि स्मूथ मसल्स काम करता है, तो इसको सही कर लीजिएगा। कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो फेशियल एक्सप्रेशन यानी ओनली थर्ड, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो इसको भी देखना है कूट को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकियल्स एंड ट्रैकिया। देखिए कभी कभी ये जो है क्रम पूछता है कि किस क्रम में है, सबसे पहले क्या आपके शरीर में, सबसे पहले ऊपर क्या होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है, फिर उसके नीचे क्या होता है। देखिए लैरिंग्स जो होता है सबसे पहले होता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है, देन ब्रोंकियोलिस जो कि आपके लंग्स में आते हैं। तो लैरिंग्स का क्या काम क्या होता है फ्रेंड्स, लैरिंग्स जो होता है एक तरीके से आपका वोकल कॉर्ड्स, यानी कि जो आपकी जो वॉइस होती है उसको रेगुलेट करता है, उसको फॉर्मुलेट करता है। तो इस तरीके से इसको मैचिंग यहाँ कर दोगे। अब फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स जो होता है एक तरीके से पैसेज वे है दोनों के लिए, जो आप जो सांस लेते हो और खाना खाते हो, उन दोनों का एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है, तो फेरिंग्स से होकर गुजरता है। देखिए पी फॉर फेरिंग्स और पी फॉर पैसेज, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। पैसेज जो है किसका, एयर एंड फूड का। ब्रैंकियल्स जो होता है ये गैसियस एक्सचेंज होते हैं वहाँ पर, ठीक है। और ट्रैकिया जो होता है उसको विंड पाइप कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। विंड पाइप समटाइम्स ऐसे पूछ सकता है कि आपके कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, तो ट्रैकिया। लैरिंग्स जो होता है वॉइस बॉक्स होता है, फेरिंग्स होता है पैसेज वे ऑफ बोथ फूड एंड एयर। नेक्स्ट देखिए सही क्रम पूछ ही दिया यहाँ पर, देखिए सही क्रम ये बार बार पूछता है। अभी मैंने बताया लैरिंग्स जो होता है सबसे पहले होता है,
तो कहाँ कहाँ लैरिंग्स है, यहाँ पर है और यहाँ पर, इनमें नहीं है तो कट कर दो, ठीक है, इनमें नहीं है तो कट कर दो, दो ऑप्शन से लैरिंग्स बाद फैरिंग्स आता है, इसमें भी है, इसमें भी है, ट्रैकिया इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं, ठीक है। हो सकता है मिस्टेक हो गया है बनाने में, बट ये दोनों ऑप्शन सही है। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, देखिए इसमें श्वसन का मुख्य अंग पूछा है, यानी कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पूछा है, तो नोज नो, लैरिंग्स फैरिंग्स नहीं होगा, ट्रैकिया नहीं होगा, लंग्स होगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड मस्कुलर सिस्टम जो भी था मैंने लेकर आया है, और इस क्वेश्चन को आप जो है बार बार थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, आप गलत नहीं होना चाहिए, और इससे बाहर में मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम जो है 16 वाले में पूछा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन